गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी सुबह सुबह उठ गया हूँ और सुबह मैं बिस्तर पे था, भैया का कॉल आया कि सिलेंडर जो है आए हैं, गैस सिलेंडर हमारे गांव पे, तो मुझे लेने जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का जो ऑलरेडी गैस है वो ख़त्म होने वाला, एक एक्स्ट्रा जो रहता है वो तो पूरा खाली है, तो लेके जाना पड़ेगा। ब्लैक पैंथर में तो मुश्किल है, तो इसलिए मैं अपना बसंती को लेके जाऊँगा, अपना जेरी का बसंती पूरा। चलो गाइस अभी पहुंचा हूं भैया के घर पे दोस्तों, तो भैया लोग का जो सिलेंडर है वो भी लेके जाऊंगा एक के साथ में दोनों, और चावल भी लाना पड़ेगा आते वक्त मुझे पम्प पम्प का घर से, क्योंकि वहां पे हम लोग का जो वोटर लिस्ट का कुछ चावल वगैरह आते हैं, तो वो सब चावल भी लेके आना पड़ेगा। और यहां पे देखो एक तो और कुत्ता डॉग, इधर आ, इतना छोटा है देखो। अरे 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 अरे, यहाँ पे दोनों सिलेंडर को जो है मैंने लोड कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे रबर से बांध दिया है, तो अभी जाते हैं। आते वक्त पता नहीं ला पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि काफी भारी होगा आते वक्त ना, 15-15 किलो का होगा, तो अभी जाते हैं गाइस। चलो तो अभी पहुंच चुका हूँ दोस्तों मैं सिलेंडर लेने के लिए, तो यहाँ पे दो टूर ले लिया है मैंने, एक तो भैया का, एक तो हम लोग का, एक लोड हो चुका है, काफी भारी है। वाह हो गया, तो अभी जाना पड़ेगा, थोड़ा स्लोली जाऊंगा। और जो चावल ले जाने वाला था वो नहीं होगा आज, क्योंकि इसमें ले जाना भी मुश्किल होगा और दीदी भी नहीं है घर पे, तो अभी जाता हूँ सीधा घर। अभी भैया के घर पे पहुंच चुका हूँ और सिलेंडर को जो है पूरा फिट करके रख दिया है मैंने, क्योंकि भाभी को शायद नहीं सकेगी, भाभी मतलब फिट करने के लिए, तो मैंने फिट कर दिया। और मानवी कहाँ से आया, कहाँ गया था घूमने? बोरोई। अच्छा बोगोरी लेने गया था। और ये किसका डॉग है, ये किसका है डॉग? हाँ अल्लाह का गौर कहा। और ये तुम लोग का ये नया कुत्ता का नाम क्या है, इसका नाम क्या है? नहीं मालूम, अभी तक नहीं रखा है। हाँ टॉमी, वाह टॉमी रखा है। और ये कौन है, तेरा दोस्त? हाँ। वाह वो भी तेरा दोस्त। अच्छा और स्कूल नहीं है आज? नहीं। अच्छा ठीक है, कल से है, ठीक है मैं जाता हूँ, बाय बाय। मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, कहाँ गया मम्मी? आजकल मानवी स्मार्ट हो रही है धीरे धीरे, तो अभी जाता हूँ घर। अभी घर पहुंच गया और ये लोगों ने पूरा ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया और सिलेंडर को मैंने उठा दिया यहाँ पे, अभी नो टेंशन नो पेंशन, अभी सीधा ब्रेकफास्ट करते हैं गाइस। आज तो पूरा एकदम नॉर्थ इंडियन वाला सब्जी है गाइस, यहाँ पे दाल है और यहाँ पे आलू की चटनी सलाद। चलो अभी खाते हैं, अभी खा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे दाल पे जो आलू मिक्स किया है, तो गुवाहाटी के दिन याद आ गए जब लॉकडाउन पे जेरी भी बीमार थी, उस टाइम पे ऐसे बनाता था मैं सब्जी, क्योंकि कुछ नहीं था, बस आलू दाल। जेरी रोते थे, ऐसा सब्जी खाने से मर जाऊंगी करती थी। याद है ना, आज वही वाला सब्जी फिर बनाया, आज मैंने खुद बनाया। तो अभी खाते है गाइस लॉकडाउन वाला सब्जी। गाइस ब्रेकफास्ट भी कर लिया, बिल्कुल मजा नहीं आया यार, पूरा दाल आलू सिर्फ था, तो अलग सब्जी नहीं होने से मजा नहीं आता है। तो जेरी ने यहाँ पे बर्तन वगैरह धो दिया और दीदी और जेरी अभी साग सब्जियां कुछ कलेक्ट करेंगे, और मैं खा रहा हूँ आलू गाइस, बाबी जी ने दिया था हम लोग का लोकल वाला एकदम स्वीट पोटेटो। दिस इज कॉल्ड जुरू आलू। दिन भर बहुत बोरिंग है दोस्तों, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, यहाँ पे अमित दोस्त भी आ चुका है, यहाँ पे दीदी, यहाँ पे जेरी पूरा वीडियो एडिटिंग कर रही है, और हम लोग खा रहे हैं सोयाबीन राइस। सोयाबीन एकदम उसको जो है रोस्ट करके हम लोग खा रहे हैं, बैगन होला, वी कॉल इट बैगन होला गाइस, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, कुरकुर कुरकुर की साउंड निकाल के ना। लेकिन इसका एक चीज जो है वो क्या बोलते हैं, बांटने ज्यादा वो मिलता है, गैस ज्यादा निकलता है। अच्छा अच्छा गैस हो जाता है ना, तो इसमें जो है प्रोटीन बहुत होता है गाइस, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वेजिटेबल में से। नाइस, वाह बारिश आ रही है, फिर पूरा काला काला हो गया गाइस, देखते ही देखते पूरा जोरों शोरों से बारिश आ रही है, देख सकते हैं गाइस, अरुणाचल का मौसम भाई कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आके टपक सकता है बारिश। ये देखिए वहां पे चिड़िया लोग पूरा गीला गीला हो रहे हैं।
अब इतना बोरिंग से था दोस्तों, मैं पूरा रूम पे गया और मूवी देख रहा था। क्या ही कर सकते हैं ऐसे मौसम में, बारिश वगैरह होती रहती है। इतने में जो है समीर भैया आए हैं और दूध लेके आए हैं। दूध लेके हैंडसम लग रहे हो, एकदम पूरा हैंडसम, पहले से बहुत हैंडसम लग रहे हो, ऐसा है ना, एकदम जवान हो रहे हो। अभी तो जवान होना ही पड़ेगा ना। और यहाँ पे भैया ने जो है दूध लेके आया था, उसको अभी मैं यहाँ पे बॉयल कर रहा हूँ। और बॉयल होने से पहले से है और मैंने गावजे को थोड़ा गर्म करके उसको दे दिया है दूध, दूध के साथ खाना, नहीं तो वो खाता नहीं है आजकल, पूरा दूध वगैरह से ही देते हैं, मीट बहुत कम देते हैं आजकल हम उसे, नहीं तो मीट खाते खाते दूसरा का तो आज। लेकिन मुझे मीट खाने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गया नहीं खा रहे। एक्चुअली कल शादी पार्टी में गए थे लेकिन उतना मजा नहीं आया, तो अभी मैं मटन वटन लेने के लिए सोच रहा हूँ। देखते हैं शाम को अगर बोरिंग नहीं लगेगा तो मार्केट जाके लेके आऊंगा, क्योंकि कुछ सब्जियां है भी नहीं है घर पे ना खाने के लिए। है साग सब्जियां है लेकिन वो खा खा के बोर हो गया हम लोग, कितना खाए ना। वाटर मशरूम लेने जाता है, हाँ वही तो, वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, इधर उधर कंटेंट ढूंढते ढूंढते बाद में कुकिंग एंड ईटिंग लिखना पड़ता है। वही तो, दूसरा काम पर तो अपना मोटर गाड़ी दूर, और डेली कुकिंग ईटिंग बोलने से सब्सक्राइबर लोग गाली देता है ना, गाली देता तो वो लोग को एक ही बात बोलूंगा, गाइस खुद करके देखो उसके बाद दूसरे को गाली दो। खुद जब करेगा ना तब आपको मालूम होगा कितना मुश्किल होता है कंटेंट क्रिएशन, मतलब कंटेंट क्रिएट करना कितना मुश्किल होता है ना। दूसरे लोग को ऐसे बोलना मतलब आसान होता है, जैसे कोई मोदी को गाली देता है, कोई इसको गाली, धर्म गुरु को गाली देता है ना, लेकिन जब खुद वो काम करता है ना तब आपको पता चलेगा कि कितना मुश्किल है वो काम। तो ऐसे बेकार में किसी को गाली देना ये सब देना ठीक नहीं है, अच्छा ना नहीं। हाँ, वो ठीक नहीं है। आप लोग का मेहनत को देखो कितना रोज, जो एक हफ्ता में एक तू महीना में दो तीन तू डालता है, वो लोग को तो आप दे सकते हैं। अगर खराब वीडियो बनाया तो गाली, इतना टाइम मिलके अच्छा वीडियो क्यों नहीं बनाया ना। हम लोग तो डेली बनाते हैं तो बीच बीच में थोड़ा खराब वीडियो आएंगे है ना, तो मैनेज कर लेना है, ऐसे बेकार में गाली नहीं देना है। भैया को भी अभी अभी एक गाली पड़ा है, हम लोग देखा है कमेंट, हंस रहे थे हम लोग। भाई ऐसे भले इंसान लोग को गाली मत दो, ठीक है, कंटेंट बदली करो बड़ा, हमको भी तो पूरा गाली देता है, हमको कंटेंट ढूंढना भी तो अच्छा, बहुत ऐसा मौसम है और टाइम चाहिए ना। हाँ हाँ, तो ये बात याद रखना आप, ठीक है। कुछ भी करने को नहीं है, बहुत बोरिंग है। एलिफेंट एप्पल के टुकड़े किया मैंने, अभी मेज के साथ नमक के साथ खाऊंगा। और यहाँ पे जेरी जो है आलू स्वीट पोटैटो छील रही है खाने के लिए, भैया खा रहे तामूल। चलिए खाते हैं, आप नहीं खाएगा, नहीं खाएंगे मैडम, नॉट ईटिंग। अच्छा चलो खाते हैं अभी। आ ऐसे ठंडा मौसम में और ऊपर से एकदम खट्टा खा रहा हूँ। हेलो हेलो बितुल भाई, हाँ यहाँ रूपम भाई का घर में, रूपम भाई का घर में, आप कहाँ में? अभी दोस्तों समीर भैया भी चले गए हैं और बितुल भैया के लिए यहाँ पे छोड़ के गए हैं दूध, गे का दूध, गए इससे आधा लीटर तो वो लेने आया है। किसका दूध? गे का दूध। दही बना लो, क्या वीडियो एडिटिंग हो रहा है? अच्छा, और इसे देखो हम लोग का शैतान पूरा बीच में रहता है, शैतान बला बला, शैतान का साला। पहले वाला हिस्सा जो है आंटी को बेच दिया दीदी और जेरी ने, तो अभी फिर से दूसरा वाला हिस्सा, फिर से दूसरा आंटी आई है गाइस इसे लेने के लिए। एक मुठा यानी कि एक इसमें बंडल का ₹5 यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, तो बाहर में कितना महंगा होता होगा, यहाँ पे तो सिर्फ ₹5। ये देखिए लाई पत्ता चिकन बिरयानी का दाम, चिकन बिरयानी ₹5 में, बहुत अच्छे भाई। ऐ शैतान शैतान, ये देखो पूरा शैतानी गिरी करता है, जाएगा अभी, ठीक है, बाय बाय। आज कुछ भी सब्जी नहीं है गाय, सब्जियां बेच के हम लोग के पास सब्जियां नहीं होता है क्योंकि हम लोग को खाने का मन ही नहीं करता है, तो केले की सब्जी खाएंगे आज, केले, वाह उरी बाबा, कच्चे कच्चे केले, आजा रे बाबा, ओ माय गॉड, सो टाइट हैपनिंग। चलिए गाइस अभी केले की सब्जी खाएंगे हम लोग, चलो।
अभी काफी रात हो चुकी है दोस्तों, और ठंड मत पूछो भाई साहब, इतना ठंड हो रखा है ना। और हम लोग आज दिन भर कहीं निकले नहीं, मैं घर का बाउंड्री से भी बाहर नहीं निकला। तो मैं मटन वटन लेने जाने वाला था, लेकिन आज जो है मार्केट पूरा बंद है बोला है, तो वो सब भी नहीं मिलेगा, तो घर पे ही रहे हम लोग आज दिन भर। और अभी जो है जो केले तोड़ के लाया था उसको जो है पकाने के लिए जेरी यहाँ पे तैयार कर रही है। देखिए कुछ भी सब्जी नहीं है घर पे, है वैसे आलू लाई पत्ता वो सब है, लेकिन वो सब खा के बोर हो गए हम लोग, तो कुछ अलग खाने का मन कर रहा है ना। तो अभी हम लोग खाएंगे बस ये केले की सब्जी और कुछ कुछ ड्राई फिश, फिर डेली ड्राई फिश गाइस, ड्राई फिश ओनली ड्राई फिश। अपना पूरा ब्लड में ही ड्राई फिश ही मिलेगा, अभी पूरा एक्सरे करके वो क्या बोलता है माइक्रोस्कोप में देखने से ड्राई फिश ही मिलेगा। हम आंटी को बोल ही दिया बोलने के लिए, क्या ओ बैंगन भी है ना, बैंगन में ले जा सकना था ना वो लोग, सिर्फ लाई पत्ता बेचा है। और केले का सब्जी ज्यादा नहीं, 3-4 तो पकाने से हो जाएगा ना, ज्यादा भी खाना ठीक नहीं, मतलब टेस्टी नहीं लगता है। और मेरा वाला वो खाने वाला ड्राई फिश कहाँ है, नमक वाला। अच्छा अभी दोस्तों मैं इन मछलियों को जो है अभी काट कूट के एकदम भिगो के रखूंगा, और आप लोगों को कुछ महसूस हो रहा होगा वीडियो में, झिकझिक पूरा एकदम सर जो है चकरा रहा होगा, ये है आईफोन का प्रॉब्लम का। 1.5 लाख का फोन में ये एकदम फालतू वाला जो है एक प्रॉब्लम होता है, कभी कभी इसका जो सेंसर है वो काम करने बंद कर देता है। तो जब भी लाइट हम लोग जो है ऑर्गेनिक वाला लाइट पे नहीं बना के हम लोग जो है आर्टिफिशियल वाला बनाते हैं ना, ऐसे झिकझिक करता है गाइस, तो ये प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम ठीक हो गया गाइस, झिकझिक वाला प्रॉब्लम। और जेरी ने यहाँ पे जो है केलों को काट दिया है, तो अभी मैं इन्हें काट कूद के भिगो के रखता हूँ, एकदम टेस्टी करके पका के खाऊंगा। अभी यहाँ पे ड्राई फिश को भी भिगो के रखा है दोस्तों, और केले को भी, क्योंकि इसको भिगो के नहीं रखने से इसमें अलग सा कलरिंग आ जाता है। तो अभी यहाँ पे जेरी जो है पकाएगी गाइस, ये देखिए तेल वगैरह सब दे दिया है। और मुझे लाना पड़ेगा अभी धनिया पत्ता, तो धनिया पत्ता लेके आता हूँ हमारे मैम साहब के लिए। पूरा जंगल हो चुका है गाइस, एक्चुअली ये वाला धनिया पत्ता देखिए हम लोग का एकदम लोकल वाला बिलेदी बागोर, तो हम लोग बिलेदी बागोर कहते हैं, बहुत ही ज्यादा खुशबूदार होती है गाइस, हर सब्जी में मैचिंग होता है। ये देख गंदा है ना, ये देखिए बारिश का वजह से पूरा मिट्टी उड़ चुका है, तो इसको अच्छे से धोएंगे, धो के ही हम लोग जो है सब्जी में डालेंगे। यहाँ पे भी है पूरा लेके जाएंगे गाइस, ये देखिए मछली के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी होता है ये वाला, ये देखिए एकदम कांटेदार बन जाता है जब ये बुरा हो जाता है तो। वाह वाओ, ये लगभग हो चुका ना पक के तैयार गाइस, ये देखिए केले की सब्जी। हाँ बिल्कुल, ये जो है बहुत विटामिन मिनरल्स में रिच होता है, बिल्कुल पका हुआ बनाना खाने में जो भी मतलब विटामिन मिनरल जो भी आपको फायदे होते हैं ना, ये सब्जी में भी वही फायदे होंगे आपको। और इसमें दिया है एकदम स्पेशल वाला धनिया पत्ता, एकदम खुशबूदार। अभी ओहो, अभी बस ये निकालने के बाद मैं ड्राई फिश को पकाऊंगा, और उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का डिनर। भूख लग रहा है, हाँ भूख लग रहा है, बारिश देने से इससे भूख लगता है, दिन भर कुछ भी नहीं खाया ना हम लोग, हाँ। बस वो फालतू वाला चीज खाया है। फालतू वाला। यहाँ पे जो है सब्जी हो गया है तैयार दोस्तों, अभी बस मेरा वाला ड्राई फिश पकाना है, तो यहाँ पे कढ़ाई रेडी है, वही वाला कढ़ाई पे पकाऊंगा, वाश भी नहीं करूंगा गाइस, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि ये कोई गंदगी नहीं है, बस यही सब्जी पकाया था। तो इस पे जो है ड्राई फिश, और मैं यहाँ से कहाँ गया, पीछे में छुपा हुआ है ये देखिए बम्बू सूट गाइस, एकदम बम्बू फर्मेंटेड बम्बू सूट। यहाँ पे ये है जलपाई का अचार, और यहाँ पे है गुंदरू गाइस, फर्मेंटेड लाई पत्ता, फर्मेंटेड मस्टर्ड लीफ, तो हर चीज हम लोग रखते हैं यहाँ पे। मछली को जो है तेल में दे दिया है दोस्तों, अभी इसमें ये देखिए बम्बू सूट, फर्मेंटेड बम्बू सूट, इसको फेंक देता हूँ, छोटा वाला ही दूंगा मैं, बड़ा वाला नहीं दूंगा। उड़ी बाबा, ये देखिए एकदम मजा, खबर मजा गाइस, बिसी बल लगी से ते, एकदम मजा। कुछ भी नहीं दिया गाइस, तेल दिया, इसमें नमक देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मछली में ऑलरेडी नमक होता है, तो ये वाला मछली में अगर आप पकाओगे तो नमक देने की गलती बिल्कुल भी मत करना, अगर नमक दोगे तो खत्म, खेल पूरा बिगड़ जाएगा। और हल्दी देने से भी उसका टेस्ट जो है बिगड़ जाएगा, क्योंकि बैम्बू सूत दिया है ना फर्मेंटेड वाला, बैम्बू सूत और मछली और तेल, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अभी ढक के रखो, थोड़ा सा और वो कर देता हूँ, झूल देना पड़ेगा ना, हल्का सा झूल देना पड़ेगा, इन दोनों को अच्छे से मिक्स होने देते हैं, पकाते हैं 1 मिनट तक, उसके बाद झोल देंगे। मास्टर शेफ रूपम बावरा, यस।
अभी हम लोग का बोरिंग सा डिनर भी तैयार हो चुका है गाइस। तो अभी बोरिंग सा वीडियो पे हम लोग फिर से बोरिंग सा डिनर करने वाले हैं, वो भी एकदम बोरिंग सी सब्जियों से। लाइफ इज बोरिंग गाइस, नाउ डेज लाइफ इज बोरिंग हैपनिंग। तो अभी जो है हमने यहाँ पे केले की सब्जी ले लिया है दोस्तों, और यहाँ से ड्राई फिश ले लेते हैं। ये देखिए एकदम मास्टर शेप वाला ड्राई फिश, और हल्का सा यहाँ से जो है हम ले लेते हैं बम्बू सूट। वाह मास्टर शेप। तो अभी खाते हैं, तो हम दोनों ही खा रहे हैं क्योंकि रानू दीदी को भूख नहीं है अभी, वो नहीं खाएगी, तो अभी हम लोग खाते हैं बस। लुकिंग टेस्टी बनाना की सब्जी, बट इन फैक्ट मन ही मन में मैं क्या कह रहा हूँ जानता हूँ गाइस, अयो मेरे को खाना नहीं खाना ऐसे सब्जियों से। अंदर से अंतरात्मा ये से आवाज दे रहा है मुझे, लेकिन बाहर से मैं कह रहा हूँ कि मेरे को बहुत मजा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरियसली लेकिन टेस्टी हुआ है बनाना, बनाना की सब्जी टेस्टी होती है गाइस। स्पेशली जब मेरे सुंदर बीवी के हाथों का बनाया हुआ हो तो और भी ज्यादा टेस्टी। इज्जत मत करो। क्या मैं इज्जत। हम लोगों ने तो खा लिया दोस्तों, अभी जो है जानवरों की बारी। सबसे पहले गाबूजे को यहाँ पे, लोकी को उडर में, और वहाँ पे जो है हम लोग का लेतो, क्योंकि तीनों को अलग अलग जगह में नहीं देने से ये लोग इतना झगड़ा करते हैं, पूरा खुनम खुन हो जाते हैं। कल भी झगड़ा किया था, तो इसलिए अलग अलग जगह पे देते हैं और देखते रहना पड़ता है, वरना ये लोग साथ में मिलेंगे ना पूरा झगड़ा करेंगे। सबसे जो कमजोर है वो है लुकिए, उसको बेचारे को खाने नहीं मिलता है। तो गावुज्जे बहुत शैतान है, पूरा किसी को खाने नहीं देता, डोमिनेट करता है ये। गावुज्जे को देखिए दोस्तों अभी भी खा रहा है, और हम लोग रेस्ट ले रहे हैं, और हमारा रानू दीदी भी आई है अभी, वो भी डिनर करेगी। और हमने धोए हैं अंगूर, हमारे पास अंगूर थे, मैं भूल ही गया दिन भर क्या खाएंगे सोच रहे थे, ये पोलिथीन में था पूरा सर गए। ये देखो समीर भैया को हम लोग दे सकना था, हम भूल गए ना, नहीं तो उसको दे देता मैं पूरा का पूरा। खाएंगे अभी गाइस, पूरा सर रहे यार। लेकिन खाना वाना भी खा लिया, फ्रूट्स वगैरह भी खा लिया दोस्तों, अभी कुछ भी करने को है नहीं है, बस जाके बिस्तर पे आराम से सो जाना, यही है हम लोग का जिंदगी। वीडियो एडिट करो, अपलोड करो, दिन भर शूटिंग करो, और बोरिंग होने से भी शूटिंग करो, कुछ भी हो सिचुएशन जैसा भी हो डेली ब्लॉगर की, ये बहुत तकलीफ होती है गाइस। तो जैसा भी सिचुएशन हो आप लोग, आपको जो है ब्लॉग बनाना होता है वरना चैनल डूब जाता है, तो आप लोग भी समझ सकते हैं, तो इसलिए सपोर्ट कीजिए। ऐसे कभी कभी ऐसे बोरिंग वाले वीडियोज भी देखा करो और लाइक किया करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, कल जाऊंगा सुबह सुबह अर्ली में मार्केट में, अगर बारिश नहीं दिया तो पक्का जाऊंगा। तो कल जो है सब्जी वगैरह लेके आऊंगा, एकदम यूनिक वाला मार्केट में जाऊंगा, पहली बार ये वाला मार्केट में जाने वाला हूँ, अब तक ये वाला मार्केट आप लोग को देखने को नहीं मिला है मेरे ब्लॉग्स में, ठीक है। तो अभी जाऊंगा मैं कल सुबह मॉर्निंग में। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।